बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान अजीज और मेरी इस्लामी बहनें, अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में इंसानों पर दो तरह की हालतें तारी कर रखी हैं। दो के बाद तीसरी कोई हालत नहीं है। अगर कोई तीसरी हालत नज़र आती है तो इन दो हालतों का समर और नतीजा तो हैं, लेकिन मुस्तकिल कोई हालत नहीं है। मुस्तकिल अल्लाह तबारक व ताला ने दो ही तरह की हालतें तारी कर रखी हैं, एक नेमत की हालत है और दूसरी मुसीबत की हालत है। इंसान या तो नेमत और राहत में होता है या इंसान मुसीबत और परेशानी में होता है। ऐसा नहीं कि इंसान के पास नेमत और राहत भी ना हो, इंसान के पास मुसीबत और परेशानी भी ना हो। इसलिए कि मुसीबत का ना होना ख़ुद एक नेमत है और नेमत का ना होना ख़ुद एक मुसीबत है। तो गोया कि मुसीबत और नेमत की हालत से इंसान आरी नहीं हो सकता। हर इंसान या तो नेमत और राहत की हालत में होगा या मुसीबत और परेशानी की हालत में होगा, और दोनों हालतें एक ही चीज़ का मुतालबा करती हैं। अगर नेमत की हालत है तो यह हालत एक चीज़ का मुतालबा करती है, अगर मुसीबत और परेशानी की हालत है तो वो एक चीज़ का तकाजा करती है। और जब इंसान उन दोनों तकाज़ों को पूरा करता है और वो दोनों चीज़ें और तकाज़े हकीकत में ईमान के दो बाजू हैं, ईमान के दो पर हैं कि जिन परों के ज़रिए से इंसान का ईमान परवाज़ करता है। और ज़ाहिर है कि जब ईमान परवाज़ करता है और ईमान का महल इंसान का कल्ब और दिल है, तो गोया कि ईमान जब परवाज़ करता है तो इंसान ऑटोमेटिकली उसके साथ परवाज़ करता है। ईमान अल्लाह तबारक व ताला की कुर्बत की मंजिलें जब पाता है तो इंसान ख़ुद भी अल्लाह तबारक व ताला के कुर्ब में जा पहुँचता है। तो गोया कि वो दो तकाजे या दो चीज़ें क्या हैं कि जो ईमान के दो पर हैं, ईमान के दो बाजू हैं जिसके ज़रिए से ईमान कवी होता है, जिसके ज़रिए से ईमान परवाज़ करता है। और वो ये कि नेमत की हालत में, नेमत की हालत ये शुक्र का मुतालबा करती है कि इंसान अल्लाह तबारक व ताला को शुक्र करे, जिसे नेमत दी है उस नेमत देने वाले को याद करे। तो गोया कि नेमत और राहत की हालत उस मोनम हकीकी का शुक्र करने का मुतालबा करती है, और मुसीबत की हालत सब्र करने का मुतालबा करती है। तो गोया कि शुक्र और सब्र ये इंसान की ज़िंदगी का वजीफ़ा है, ये इंसान की ज़िंदगी का अमल है कि इंसान शुक्र करता रहे और मुसीबत पर सब्र करता रहे। तो गोया कि बस ये इंसान दुनिया के अंदर मोमिन सादिक है, ये अल्लाह तबारक व ताला के क़ुरब की मंजिलें तय करता चला जाता है। अगर नेमत मिली और नेमत देने वाले को याद न रखा, मुसीबत आई उस पर सब्र ना किया बल्कि शिकवा और शिकायत शुरू कर दी, तो अल्लाह तबारक व ताला का क़ुर्ब ये इंसान नहीं पा सकता। बल्कि क़ुर्ब पाने का एक ही रास्ता है कि जब नेमत की हालत हो तो उस नेमत देने वाले को याद करके उसका शुक्र कर ले, और अगर मुसीबत की हालत आ गई तो उस पर सब्र करे और किसी की कोई शिकायत ना करे। जब इस हालत में इंसान जब वो तरक्की करता है तो अल्लाह तबारक व ताला का क़ुर्ब पाना आसान हो जाता है।